component passes through trihedral prism with refracting angle 60 degree. प्रिज्म का एंगल 60 डिग्री है. फाइंड द डिफरेंस इन द डिविएशन बिटवीन द कंपोनेंट ऑफ रे आफ्टर इट पासेस थ्रू द प्रिज्म. इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म इज इक्वल टू 1.515 एंड 1.520, द प्रिज्म इज ओरिएंटेड to provide the least deflection angle. देखिए एक सिंपल सी बात है, यह प्रॉब्लम बिल्कुल सिंपल है. सबसे पहले लीस्ट डिफ्लेक्शन के लिए आप जानते हैं लीस्ट डिफ्लेक्शन के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस निकाल लें. किसी भी एक लाइट रे का लीस्ट डिफ्लेक्शन करना है, मिनिमम डिविएशन करना है मतलब, और मिनिमम डिविएशन के लिए फॉर मिनिमम डिविएशन ऑफ रे वन का मिनिमम डिविएशन रख लीजिए. आई एम इज इक्वल टू ए प्लस डेल एम बाय टू और म्यू इज इक्वल टू साइन आई एम अपॉन साइन आर, वेयर आर इज इक्वल टू ए बाय टू. म्यू की जगह पर रख दीजिए 1.515. साइन आई एम हमें निकालना है और साइन आर की जगह साइन 30. फ्रॉम हियर सॉल्व फॉर आई एम, इधर के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए सॉल्व कर दीजिए. अब एक लाइट रे के मिनिमम डिविएशन के लिए यह एंगल ऑफ इंसिडेंस है, यह हमें दिख गया. अब हम क्या करते हैं, दो लाइट रे हैं एक्चुअली वहां पर, एक के लिए म्यू 1 दे रखा है, म्यू 2 दे रखा है. अब दोनों लाइट रे के लिए, इसके लिए मिनिमम डिविएशन डेल 1 तो निकल ही गया, एक लाइट रे के तो लिए तो मिनिमम डिविएशन है, दैट डेल एम 1 इज इक्वल टू 2 आई एम माइनस ए, यह तो डेल 1 हो गया. अब डेल 2 निकाल लेते हैं. डेल 2 इस तरह से निकाला जाएगा, साइन आई एम अपॉन साइन आर 1 इज इक्वल टू 1.521. दिस इज फॉर रे 2. साइन आई एम की वैल्यू हम इधर से लिख देंगे, साइन आई एम की वैल्यू हो जाएगी 1.515 बाय इनटू बाय 2 अपॉन साइन आर 1. इधर से आर 1 की वैल्यू निकाल लेंगे, आर 1 की वैल्यू निकालने के बाद आर 2 की वैल्यू निकालेंगे एस ए माइनस आर 1, और आर 2 की वैल्यू निकालने के बाद देन साइन ई अपॉन साइन आर 2 इज इक्वल टू 1.521. इधर से ई की वैल्यू निकाल लेंगे, देन आई प्लस ई इज इक्वल टू डेल 2 प्लस ए, तो डेल 2 की वैल्यू इधर से निकल जाएगी आई प्लस ई आई एम प्लस ई माइनस ए, एंड द डिफरेंस इन द टू डिविएशन इज डेल 2 माइनस डेल एम 1. यह पहली स्टेप है प्रॉब्लम की, जिसमें मिनिमम डिविएशन पर एंगल ऑफ इंसिडेंस निकाल लिया. यह प्रॉब्लम की यह पहली स्टेप, यह प्रॉब्लम की दूसरी स्टेप है, और यह प्रॉब्लम की तीसरी स्टेप है.
वॉट इज अगेन और नेक्स्ट प्रॉब्लम 32nd प्रॉब्लम करूंगा. अ पोल ऑफ लेंथ 1 meter इज स्टैंड हाफ डेप्ड इन अ स्विमिंग पूल, आधा स्विमिंग पूल में डूबा हुआ है. हाफ डेप्ड इन द स्विमिंग पूल. With water level 50 centimeter higher than the bed, the refractive index of water is, as usual, sunlight is coming at an angle of 45 degrees. With vertical. Find the length of the shadow of pole on the bed. यह लाइट है इधर तक आने के बाद ऐसे डिविएट हो जाएगी और इस पोल की शेडो यहां से यहां तक दिखाई देगी. फोर्टी फाइव डिग्रीज और यह आर निकाला जा सकता है. साइन 45 साइन 45 बाय साइन आर इज इक्वल टू 1.33/1 और इधर से साइन आर की वैल्यू निकाली जा सकती है और कॉस आर की वैल्यू निकाली जा सकती है और टेन आर की वैल्यू निकाली जा सकती है. साइन आर कॉस आर टेन आर इन सबकी वैल्यू निकाल देने के बाद नाउ दिस इज लेंथ एल वन दिस इज लेंथ एल टू. एल वन वुड बी सिंपली यह पॉइंट यह 45 डिग्री है इसका मतलब यह 0.5 है तो यह भी 0.5 होगा. एल वन इज 0.5 मीटर एंड एल टू इज 0.5 10 आर एंड लेंथ एल इज एल वन प्लस एल टू. लेंथ एल इज 0.5 प्लस 0.5 10 आर. सॉल्व इट इन ऑर्डर टू गेट द आंसर. थर्टी सेकेंड के बाद 33rd भी इसी में छोटे से में ही हो जाएगा. वो भी A small piece of wood is floating on the surface of 2.5 meter deep lake. Where does the shadow of or इधर एक small piece of wood float कर रहा है या 2. Where does the shadow of the shadow from the shadow from on the bottom? सन इज जस्ट सेटिंग. जब सन जस्ट सेट हो रहा है मतलब जब सन बिल्कुल इधर है सन से आने वाली लाइट रे ऑलमोस्ट ग्रेजिंग इंसिडेंस पर है. यह ऑलमोस्ट 90 डिग्री है क्रिटिकल एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाएगी. और हम कह सकेंगे कि इस वुड के ठीक बॉटम से इस पॉइंट पर शैडो बनेगी और इस पीबी दिस डिस्टेंस वुड बी इफ दिस एच इट वुड बी एच टेन सी वेयर साइन सी इज 4/3 साइन सी इज 3/4 साइन सी इज 1/μ दैट इज 3/4. इधर से कॉस सी निकाल लेंगे रूट 3/4 और इधर से टेन सी निकाल लेंगे रूट 3/ क्या पता क्या लिखता हूं
रूट सेवन बाय फोर और थ्री बाय रूट सेवन, इतने दूरी पर इमेज बन जाएगी। हाँ नहीं, मैंने आई मिनिमम दोनों का सेम नहीं लिया, मैंने तो सिर्फ एक के लिए आई मिनिमम निकाल लिया, डेल एम के लिए एक का मिनिमम, क्योंकि म्यू वन म्यू टू नियरली सेम है उस केस में, इसलिए किसी भी एक के लिए आई एम निकाल लिया, किसी भी एक का मिनिमम डिविएशन कर लिया, दोनों साइमल्टेनियस मिनिमम डिविएशन हो नहीं सकते, कोई सी भी एक रहे आंसर में कोई खास फर्क नहीं आता है, नियरली सेम रहता है, इसलिए एक के लिए निकाल लिया और दूसरे के लिए डिफरेंसेस देख लिया। ध्यान से देखें, इसके बाद मैं करूंगा 17th। प्रॉब्लम, अ ग्लास रॉड इज मेड अप लाइक दिस, म्यू इज 1.5 स्क्वायर बेंट, द पैरेलल बीम फॉल परपेंडिकुलर ऑन द फ्लैट प्लेन लाइक दिस, रेफरिंग टू डायमीटर दिस इज डी एंड दिस इज आर, आर किसे दिया है, D is the width and R is the inner radius of the circle. R is this inner radius. ठीक है, अब देखिए, find for what maximum, जरा सोचिए, अब इसमें जो सोचने की जरूरत है वो क्या है, दो limiting केस हो सकते हैं, एक तो light से बिल्कुल इससे छूती हुई, बिल्कुल इससे इसके साथ टच करती हुई ऐसे इंसिडेंट हो, इधर और दूसरी एक लाइट रे बिल्कुल इसके साथ इसको छूती हुई, बिल्कुल इसके साथ इसको छूती, इस तरह से इंसिडेंट हो इधर, यह इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है और यह एक इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस है। जरा सोचिए, यह जो पर्टिकुलर प्रॉब्लम है, इट्स अ प्रॉब्लम ओवर फाइबर ऑप्टिक्स, फाइबर ऑप्टिक्स पर यह प्रॉब्लम है। मैंने बताया फाइबर ऑप्टिक्स से ट्रांसमिशन के लिए काम में लाते हैं, जितने भी सिग्नल इधर से भेज रहे हैं वो सारे के सारे इधर रिसीव हो जाते हैं। कैसे रिसीव होते, जरा सोचिए, मैं कहता हूं लाइट रे इधर भी इंसिडेंट हो सकती है, इधर भी इंसिडेंट हो सकती है, इस तरह से कहीं पर भी इंसिडेंट हो सकती है, लेकिन इस लाइट रे का इस जगह पर डेंसर मीडियम में ट्रेवल करते हुए रेयरर मीडियम पर हिट करते समय मिनिमम एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा इस रे का, यह रे वन है, यह रे टू है। मैं कहता हूं रे वन का मिनिमम एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा और रे टू का मैक्सिमम एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, इफ मिनिमम आई फॉर रे वन इज ग्रेटर देन सी, यदि यह जो मिनिमम एंगल ऑफ इंसिडेंस है जो रे वन के लिए है, यदि यह ग्रेटर देन सी हो जाए तो फिर किसी भी लाइट रे का एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन सी ही होगा। यदि यह ग्रेटर देन सी हो गया तो इसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, और यदि इसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया तो बाकी सभी लाइट रे का टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होते ही जाना है। What I mean to say is कि यदि यह light ray, that is if ray
वन इज टोटल इंटरनली रिफ्लेक्टेड देन ऑल द रे वुड बी टोटल इंटरनली रिफ्लेक्टेड। चूंकि यह आई ग्रेटर देन सी है और बाकी सभी एंगल ऑफ इंसिडेंस आई डैश, यह आई डैश होगा, यह आई डैश ग्रेटर देन आई है। मतलब यह जो एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है इसे ग्रेटर देन सी होना चाहिए। मतलब कि साइन आई को ग्रेटर देन साइन सी होना चाहिए। अब देखिए साइन आई क्या है, जरा देख ले, साइन आई इज, जरा इसे देखें, दिस इज डी एंड दिस इज आर एंड दिस इज ओनली आर, आर अपॉन आर प्लस डी, दिस इज साइन आई, शुड बी ग्रेटर देन साइन सी इज वन बाय म्यू। नाउ सॉल्व फॉर इट। थर्ड एंड प्रॉब्लम, थर्ड एंड प्रॉब्लम छोटा सा ये इधर ही कर दूंगा। सोडियम लाइट की वेवलेंथ दे रखी है 5890 आर्मस्ट्रांग, इज इंसिडेंटेड ऑन बाउंड्री सेपरेटिंग एयर एंड ग्लास, इट्स इन एयर ग्लास की बाउंड्री पर इंसिडेंट होती है। इफ द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर इज दिस, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर इज 3×10⁸, कैलकुलेट द वेलोसिटी एंड द वेवलेंथ ऑफ द लाइट इन ग्लास, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। कितना क्या, तुम कैसे सवाल पूछते हो, किसने लिखाया है यह सवाल? म्यू वन अपॉन म्यू टू इज वी टू बाय वी वन इज इक्वल टू लेमडा टू बाय लेमडा वन। नाइन्थ प्रॉब्लम, ऐसे सवाल क्यों पूछने लगते हो? तो मैं पहले क्लास में बताया प्रॉब्लम, फाइंड मिनिमम मैक्सिमम डिफ्लेक्शन फॉर अ लाइट रे पासिंग थ्रू ग्लास प्रिज्म विथ रिफ्रैक्टिंग एंगल। देखिए ग्लास प्रिज्म है, एंगल ऑफ प्रिज्म है 60 डिग्री, मिनिमम डिविएशन तो पता हमें इस तरह से लग जाता है साइन ए प्लस डेल एम बाय टू अपॉन साइन ए बाय टू। मेन चैलेंज मैक्सिमम डिफ्लेक्शन को निकालने में होता है, ए की जगह 60 प्लस डेल एम बाय टू अपॉन साइन 30 और इधर से मिनिमम डिफ्लेक्शन निकल जाता है। अब मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कैसे निकाले, फॉर मैक्स डिफ्लेक्शन, देखिए मैक्स डिफ्लेक्शन के लिए दो कंडीशंस चेक करनी पड़ती है, इन दोनों कंडीशन में से कोई सी एक कंडीशन में मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होता है। जैसा हमको पता है कि इट्स अ ग्राफ लाइक दिस, लेकिन वो कैसा ग्राफ है नहीं पता, वो ऐसा भी हो सकता है एंड डिपेंडिंग ऑन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग वो ऐसा भी हो सकता है। जो डिविएशन वर्सेस आई है वह मिनिमम डिफ्लेक्शन तो ठीक है, वो तो इजिली पता लग जाएगा, लेकिन मैक्सिमम डिफ्लेक्शन या तो ग्राफ ऐसा होगा इन दैट केस मैक्सिमम डिफ्लेक्शन इधर है, या फिर ग्राफ ऐसा होगा इन दैट केस मैक्सिमम डिफ्लेक्शन इधर है, ये डिपेंड करता है सराउंडिंग पर। ऐसी स्थिति के लिए दोनों कंडीशन के लिए चेक करते हैं, एक तो व्हेन इस तरह की एक स्थिति बनाओ जब यह जस्ट क्रिटिकल एंगल पर इंसिडेंट होने लगे और 90 डिग्री से इमर्ज हो जाए, जस्ट लेस देन क्रिटिकल एंगल हो जाए यहां R2, और उसके लिए इस R1 की वैल्यू देखो,
उसके लिए R1 की वैल्यू देखो, R2 को C करो, E को 90 करो, R1 को A माइनस C करो और I निकालो, साइन I अपॉन साइन R1 इज इक्वल टू मी, और इधर से I निकालो, R2 को C करो, E को 90 करो, R1 को A माइनस C कर दो और फिर R1 निकालो, R1 निकाल के I निकालो, फिर मैक्सिमम डिफ्लेक्शन के लिए चेक करो, I प्लस E माइनस A। एक तो यह डिविएशन मैक्सिमम या तो यह होगा या फिर दूसरी कंडीशन कि यदि यह I जीरो हो जाए, सॉरी ये I 90 हो जाए, ये तो मिनिमम I के लिए आ जाएगा, या फिर दूसरी कंडीशन, दिस इज कंडीशन वन, और दूसरी कंडीशन के लिए I की वैल्यू 90 डिग्री करो, I इज इक्वल टू 90, दोनों में सेम आ गया, इससे निकाल लो यही मैक्सिमम होगा, इससे निकाल लो यही मैक्सिमम होगा, लॉ ऑफ रेसिप्रोकिटी होल्ड करता हो कंडीशन भी आ जाएगी। ट्वेंटी फोर्थ, ट्वेंटी फोर्थ प्रॉब्लम एग्जैक्टली अभी ऐसा कैसे मैंने कराया तेजी से मैं बताऊंगा, बस चलिए थोड़ा वेट करता हूं। ट्वेंटी फोर्थ प्रॉब्लम, ट्वेंटी फोर्थ प्रॉब्लम एग्जैक्टली अभी मैंने कराया है, सिमिलर प्रॉब्लम है, रिवर 2 मीटर डीप है और वाटर लेवल मेजरिंग द पोस्ट एम्बेडेड इन टू द रिवर स्टैंड वर्टिकली और 1 मीटर अबाउ द, अभी अभी जो कराया था एग्जैक्टली वैसा का वैसा ही है, कोई खास फर्क नहीं है, यह 2 मीटर डीप है और जो वाटर लेवल के ऊपर जो पोस्ट है वह 1 मीटर ऊपर भी है, यह पोस्ट है। अब क्या होता है यदि एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ सन इज 30 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल, यह 30 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल है, मतलब यह 30 डिग्री है, तो यह जो रेज जाएंगी वह इस तरह से रिफ्रैक्ट होके जाएगी और इमेज इस तरह से बॉटम पर बन जाएगी, यह लेंथ L1, यह लेंथ L2, यह I इज इक्वल टू 60, R निकाला जा सकता है, साइन I बाय साइन R इज इक्वल टू म्यू बाय 1, इधर से साइन R निकाल लीजिए और इधर से कॉस R निकाल लीजिए, इधर से टैन R निकाल लीजिए, और अब हम कहते हैं L1 is, ये L1 है, L1 is, this is 1 and this 2, 1, L1 upon 1 is 1060 और L2 upon 2 is 10 R1, तो लेंथ L इज L1 प्लस L2, लेंथ L इज 1060 प्लस 2 tan R1, सॉल्व कर लीजिए। सेवेंथ प्रॉब्लम शायद मैंने क्लास में कराया है, सेवेंथ प्रॉब्लम पूरा क्लास में कराया है मैंने, पहले 48 कर देता हूं,
The cylindrical vessel whose diameter and height both are equal. Diameter और height दोनों ही बराबर है, equal to 30 centimeter. Is placed on horizontal surface and a small point P at the distance of 5 centimeter from the center. यह पॉइंट पी है एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर. आई इज प्लेस इन पोजिशन सच दैट द एज ऑफ बॉटम इज जस्ट विजिबल. द एज ऑफ बॉटम इज जस्ट विजिबल. तो ऐसा तभी होगा जब यह 45 डिग्री से देखा जा रहा है, आंखों को इस तरह से रखा हुआ है. अब कितने हाइट तक कोई लिक्विड रखा जाए जिससे कि ये पार्टिकल पी दिखने लगे. अप टू व्हाट मिनिमम हाइट शुड वाटर बी पोर्ड. किस मिनिमम हाइट तक इसे रखा जाए जिससे कि पॉइंट पी दिखने लगे. अब देखिए, इसका मतलब है कि वाटर पोर करने के बाद रिफ्रैक्टेड रेस तो ऐसी रहेगी लेकिन इंसिडेंस रेस ऐसी हो जाए. यह एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बराबर 45 डिग्री ही रहेगा या एंगल ऑफ इंसिडेंस. इसका मतलब साइन 45 अपॉन साइन आई शुड बी इक्वल टू 4/3. तो इधर से साइन आई लिख देते हैं 3/4 इंटू 1/√2. अब ये हाइट एच निकालने के लिए हमें सोचना है. जरा सोचिए, दिस इज एच माइनस एच, दिस इज एच माइनस एच. यह एच माइनस एच है इसलिए भी एच माइनस एच होगा एंड दिस वुड बी स्मॉल एच. दिस वुड बी स्मॉल एच. वॉट इज डिस्टेंस फ्रॉम हियर टू हियर इक्वल टू. दिस इज इक्वल टू एच बाय टू माइनस एच माइनस एच. दिस इक्वल टू एच बाय टू माइनस एच माइनस एच. दिस दिस लेंथ प्लस 5. दिस इज दिस अपॉन स्मॉल एच इज इक्वल टू 10 आई. कैपिटल एच की जगह 30 लिख दीजिए. 15 माइनस 30 माइनस एच प्लस 5 दिस इक्वल टू साइन आई की जगह 3/4 इंटू 1/√2 अपॉन कॉस आई. इधर से कॉस आई भी निकाल सकते हैं. कॉस आई इज अंडर रूट ऑफ 1 माइनस इट्स स्क्वायर 9/16 32. सो इट्स 23/32 अंडर रूट. सॉल्व इट फॉर स्मॉल एच. और 38. देयर इज अ वेसल फिल्ड विथ वॉटर अप टू हाइट एच. वी हैव गॉट अ फिश एट अ हाइट ऑफ एच बाय टू और एट डेप्थ ऑफ एच बाय टू. और इधर एक मिरर है और इधर एक देयर इज अ मैन एच अ हाइट ऑफ
वाटर का डिफेक्ट ट्रेनिंग सिमिलर एट वॉट डिस्टेंस फ्रॉम इट्सेल्फ विल फिश सी द इमेजेस ऑफ आई. At what distance from itself will I see the images of fish? देखिए, when fish see eye, एक तो eye को वो directly देख सकती है और images of eye देखा है ना, एक तो fish eye को directly देख सकती है तो उसके लिए eye से rays ऐसे चलेंगी और इस तरीके से रिफ्रैक्ट होंगी और फिश को डायरेक्टली देखेगा तो डायरेक्टली जो इमेज दिखेगी दैट इज रियल डेप्थ अपॉन अपेरेंट डेप्थ इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम वेयर रियल ऑब्जेक्ट इज अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अनदर मीडियम हेंस H1 इज म्यू एच और अपेरेंट डिस्टेंस वुड बी म्यू एच प्लस एच बाय टू. इसी का सेकेंड पार्ट, इसी के सेकेंड पार्ट में यह रेस ऐसे जाएंगी वॉटर से टकराएंगी और वाटर से टकराने के बाद इस आई की जो इमेज होगी वह म्यू एच प्लस एच की हाइट पर होगी. दिस इज म्यू एच. इससे रिफ्लेक्ट होने के बाद, इससे रिफ्लेक्ट होने के बाद इसकी जो इमेज बनेगी वह म्यू एच प्लस एच की दूरी पर बनेगी और अपेरेंट डिस्टेंस फिश से जो रहेगा दैट वुड बी म्यू एच प्लस एच प्लस एच बाय टू और म्यू एच प्लस एच थ्री एच बाय टू. दिस इज द सेकेंड पार्ट. ये तो फिश जब डायरेक्ट इमेज दिखेगी तब इतनी अपेरेंट डिस्टेंस पर दिखेगी एंड दिस इज अपेरेंट डिस्टेंस थ्रू मिरर. मिरर के थ्रू देखने पर अपेरेंट डिस्टेंस इतना दिखेगा. अब इसी तरह से मैन जब फिश को देखेगा और फिश की इमेज को देखेगा उसके लिए अलग सिचुएशन इधर बनाता हूं मैं. यह फिश है, इससे एक रे डायरेक्टली चलेगी और ऐसे डाइवर्ज हो जाएगी. पार्ट बी में रियल डेप्थ अपॉन अपेरेंट डेप्थ is equal to refractive index of densa with respect to rear. So apparent distance in this case is h by 2 mu plus h. This is the apparent distance. जबकि वो इमेज को जब देखेगा तो इमेज को इस तरह से देखेगा, यह रेस पहले मिरर से जाकर टकराएंगी, मिरर के द्वारा इस तरह से रिफ्लेक्ट होंगी और मिरर के द्वारा इमेज इधर बनेगी और यह इमेज होगी 3h/2 की दूरी पर. और इसके लिए हम लिखेंगे, यह पार्ट बी का फर्स्ट केस है. सेकेंड केस के लिए हम लिखेंगे अपेरेंट डिस्टेंस 3h/2 या रियल डेप्थ अपॉन डेप्थ ऑफ इट्स इमेज एच डैश इज इक्वल टू म्यू. और इस केस में अपेरेंट डिस्टेंस थ्रू मिरर, अपेरेंट डिस्टेंस थ्रू मिरर वुड बी 3h/2 म्यू
इधर से तो नीचे दिख रहा है प्लस एच, प्रॉब्लम का। द थिंग इज इसका कोई डिटेल्ड सॉल्यूशन नहीं होता है। यह चीज मैंने रियल डेप्थ अपेंड डेप्थ बता रखी है, अपेंड डिस्टेंस देखना क्या होगा कैसा होगा देखना सीखना है बस। मैंने एक चीज बता रखी है, डेप्थ ऑफ रियल ऑब्जेक्ट अपॉन डेप्थ ऑफ इट्स वर्चुअल इमेज इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, वेयर रियल ऑब्जेक्ट इज अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम अनदर मीडियम। उस चीज को सोचते हुए हम हमेशा कर सकते हैं, लाइट लेकर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन एनालाइज करना है बस। यह पर्टिकुलर प्रॉब्लम भी क्लास में करा चुका हूं, मैं दोनों ही पार्ट करा चुका हूं। यह ग्लास स्लैब है, ग्लास स्लैब पर कोई ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसके लिए रिफ्लेक्टर और रिफ्रैक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, तो उसके लिए यदि एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है तो 90-I, यही हो जाए 90-I क्योंकि एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। sin I/sin 90-I इक्वल टू म्यू, और इधर से जो भी कुछ निकालना है वो निकल जाएगा। और जो लैटरल डिस्प्लेसमेंट उन्होंने पूछा, यह रे ऐसे चलेगी ऐसे जाएगी फिर ऐसे इमेज होगी, और यह लैटरल डिस्प्लेसमेंट है। लैटरल डिस्प्लेसमेंट पर शिफ्ट का ऑलरेडी एक्सप्रेशन मैंने क्लास में डिराइव करवाया है, उस एक्सप्रेशन को डायरेक्टली इस्तेमाल कर सकते हो आप चाहो तो हिसाब से डिराइव कर लो। फिफ्थ प्रॉब्लम, अ लाइट रे फ्रॉम एयर। अच्छा, ये जो प्रॉब्लम आज मैं करा रहा हूं मैं भी वंस अगेन सिर्फ फंडे बता बता के छोड़ रहा हूं, यदि आपने कर लिए है तो बहुत अच्छा, करे और नहीं आए अभी समझ में आ गए तो बहुत अच्छा। और खास बात मैं फिर वापस इस चीज करा के यहीं पर करा के छोड़ दे रहा हूं, मैं ये बोल दे रहा हूं कि ये चीज मैंने क्लास में नहीं कर रखी। अब आपको घर पे जाकर आज ही या फिर कल के दिन एक और बार थियोरी को जो मैंने क्लास में कराई है, मैं हमेशा से कहता चला आया हूं कि मेरी क्लास में नोट्स बनाते रहो, क्योंकि ये सब चीजें एग्जैक्टली ऐसी कैसी नोट्स में मैंने डिराइव करवा रखी है। उन नोट्स को एक और बार रिकॉल करना, उन नोट्स को एक और बार पढ़ना, और आप पाओगे कि काफी सारे प्रॉब्लम तो सीधे सीधे नोट्स के उस पर ही हो जाते हैं। इन सबको सॉल्व कर करके देखना होगा आपको। खास बात, मैं सारे सारे प्रॉब्लम सॉल्व करके नहीं दूंगा, सारे सारे प्रॉब्लम सॉल्व करके यदि देने लगा तो फिर वो मजा ही खत्म हो जाएगा करने का। मैंने हर चीज का इस तरह से फंडा बता देना कि यह चीज मैंने बता रखी है कि 90 डिग्री से जब रिफ्रैक्टेड है तो आई है 90-I, और यह चीज लगा के जो भी कुछ निकालना है वहां निकाल लो, शिफ्ट के लिए एक्सप्रेशन भी डिराइव करवा रखा है, वो डेरिवेशन उठाओ एक और बार देखो, और फिर साइन आई आपने निकाल ही रखा है, साइन आई को और टेन आई आपने निकाल दिया, और साइन आई की जगह वैल्यू लिखो और सॉल्व करो, शिफ्ट लैटरल शिफ्ट का एक्सप्रेशन निकाल लो। फिफ्थ, द लाइट रे फ्रॉम एयर इज इंसिडेंटेड ऑन ग्लास प्लेट ऑफ थिकनेस टी एन म्यू एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन फॉर ग्लास।
Compute the displacement of ray due to this plate in terms of thickness T and refractive index. Exactly same expression इस्तेमाल करना, बस I की जगह पर C लिख देना है. उन्हें क्या कहा है, द लाइट रे इज इंसिडेंटेड ऑन ग्लास प्लेट थिकनेस टी या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू द एंगल ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन फॉर ग्लास. ग्लास के लिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन मतलब जो भी कुछ क्रिटिकल एंगल है वही एंगल ऑफ इंसिडेंस एयर मीडियम में. तो इस बार आई की जगह पर सी लिख दीजिए बस, और साइन सी इक्वल टू 1/μ आपको पता ही है. कॉस सी की जगह पर कॉस सी क्यों नहीं लिख दीजिए, सॉल्व कर दीजिए, एंड देन सॉल्व सिंप्लीफाई कर दीजिए. थर्टीएथ प्रॉब्लम, अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट फॉर्म फॉल्स नॉर्मली ऑन द फर्स्ट फेस ऑफ स्मॉल एंगल प्रिज्म. यह स्मॉल एंगल प्रिज्म कोई थीटा एंगल का है. अ पोर्शन ऑफ बीम विच इज रिफ्रैक्टेड एट सेकेंड फेस, पोर्शन ऑफ बीम विच इज रिफ्रैक्टेड एट सेकेंड फेस इज डिविएटेड बाय एन एंगल ऑफ, इसका डिविएशन अल्फा से. एंड द पोर्शन ऑफ बीम विच इज रिफ्लेक्टेड at second phase emerges at the first phase making an angle beta with the emergent beam. Calculate the angle of prism theta and mu of the glass. देखिए जरा देखिए ध्यान से, यह light ray यदि normally incident हो रही है, यह light ray बिल्कुल normally incident हो रही है, और इस लाइट रे का इंसिडेंस रे के साथ एंगल बीटा है, तो नॉर्मल के साथ एंगल बीटा हुआ. अब जरा सोचिए कि यह एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा होना चाहिए और यह एंगल ऑफ इंसिडेंस यदि थीटा है, मतलब यह एंगल थीटा होना चाहिए और यह एंगल अल्फा होना चाहिए. Now, sine of angle for small angle theta alpha ये सब small होंगे, sin theta के theta लिख देंगे, तो normal के साथ इधर angle हो जाएगा theta plus alpha upon theta is equal to mu, और इधर यह angle theta हो जाएगा, ये angle के theta हो जाने से ये angle 2 theta हो जाएगा, hence बीटा अपॉन टू थीटा दिस ऑल्सो इक्वल टू म्यू. नाउ सॉल्व फॉर म्यू एंड थीटा, कैसे सॉल्व करेंगे, वन प्लस अल्फा बाय थीटा इज इक्वल टू बीटा बाय टू थीटा, इधर कलेक्ट कर लें, वन इज इक्वल टू बीटा बाय टू थीटा माइनस अल्फा बाय थीटा, एंड देन सॉल्व, टू थीटा इक्वल टू बीटा माइनस टू अल्फा, थीटा इक्वल टू बीटा माइनस टू अल्फा बाय टू. इधर से म्यू निकाल लीजिए,
is equal to beta upon beta minus 2 alpha by 2 into d. इधर से म्यू निकाल लीजिए और यह थीटा होगा. हाँ देखिए, पहले तो एक प्रिज्म इस तरह से देखिए, यह थीटा एंगल का प्रिज्म है. कोई सी भी लाइट यदि नॉर्मली इंसिडेंट होती है तो नॉर्मली ही इसके अंदर पेनिट्रेट कर जाएगी और इसका यह जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वह थीटा होगा और यह अवे फ्रॉम नॉर्मल डिविएट इस तरह से हो जाएगी और यह इसका एंगल ऑफ डिविएशन कहेंगे, जिस डिविएशन को उनने अल्फा कह दिया, और यह एंगल थीटा होगा. स्मॉल एंगल के लिए हम लिख सकेंगे साइन ऑफ एंगल आउटसाइड द प्रिज्म अपॉन साइन ऑफ एंगल इनसाइड द प्रिज्म इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग. तो साइन ऑफ एंगल की जगह स्मॉल एंगल है इसलिए थीटा प्लस अल्फा इधर लिख दिया, नॉर्मल के साथ एंगल थीटा इधर लिख दिया, इज इक्वल टू म्यू. अब यह लाइट रे का एक फ्रैक्शन लौटेगा, जब एक फ्रैक्शन लौटेगा तो यह एंगल थीटा होगा और यह एंगल यदि थीटा होगा तो इस नॉर्मल के साथ इस रे का एंगल 2 थीटा होगा और यदि यह 2 थीटा होगा तो जो इमर्ज होगी तो यह बीटा एंगल से होगी. उनने क्या रखा है, इंसिडेंस रे के साथ एंगल बीटा है लेकिन इंसिडेंस से तो नॉर्मल इंसिडेंट हो गई तो नॉर्मल के साथ एंगल बीटा है. सो फॉर दिस एंगल बीटा साइन ऑफ एंगल आउटसाइड द प्रिज्म अपॉन साइन ऑफ एंगल इनसाइड द प्रिज्म इज इक्वल टू म्यू. स्मॉल एंगल के लिए साइन बीटा इक्वल टू बीटा, साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 थीटा. सॉल्व कर लीजिए, ये जो खास इक्वेशन है बस. फॉर एन प्रॉब्लम एन आइसोसेलस ग्लास प्रिज्म, यह आइसोसेलस ग्लास प्रिज्म है. One of its faces coated with silver. इसका एक फेस सिल्वर से कोटिंग कर दिया. A ray of light is normally incident on other face is reflected twice and then emerges to the base of prism perpendicularly. Find the angle of prism. यह एंगल ऑफ प्रिज्म बताना. देखिए, यह नॉर्मली इंसिडेंट हो रहा है तो नॉर्मली ही रिफ्लेक्ट भी होगा. तो इधर जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा आर वन प्लस आर टू इक्वल टू है, दिस वुड बी इक्वल टू है, दिस वुड बी ऑल्सो इक्वल टू है. अब जरा सोचिए, हेंस दिस एंगल वुड बिकम, दिस इज 90, हेंस दिस 90 माइनस है, हेंस दिस एंगल वुड ऑल्सो बिकम 90 माइनस है. यह एंगल हो जाएगा दिस 90 माइनस 2 है, तो यह भी एंगल हो जाएगा
90 माइनस 2 है, और यह एंगल है 90 डिग्री बिकॉज इट्स इमर्जिंग परपेंडिकुलरली, और यह एंगल है सिंस इट्स एन आइसोसेलस प्रिज्म, हेंस 180 माइनस ए बाय 2। अब इस ट्रायंगल में आप देख लीजिए 90 माइनस 2a प्लस 180 माइनस a बाय 2 प्लस 90 शुड बी इक्वल टू 180 डिग्री एंड सॉल्व फॉर ए। पूरी तरह से ज्योमेट्री, यह 90 डिग्री है, ये a है तो 90 माइनस है, यह a, यह a, यह 90 माइनस है, यह 90 माइनस 2 है तो यह 90 माइनस 2 है, क्योंकि I और R इक्वल है तो ये दोनों इक्वल होना कंपलसरी है। ये 90, ये आइसोसेलस ट्रायंगल है तो 180 माइनस ए बाय 2, और इस ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम 180 होना चाहिए और इधर से A की वैल्यू आ जाएगी। ये एंगल भी 180 माइनस ए बाय 2 ही होगा आइसोसेलस प्रिज्म के लिए। फिफ्टींथ प्रॉब्लम, फिगर शो द पाथ ऑफ रे पासिंग थ्रू इक्वी एंगुलर प्रिज्म। इक्वी एंगुलर प्रिज्म है मतलब 60 डिग्री प्रिज्म है। दिस इंसिडेंटेड ऑन फेस एसी एट क्रिटिकल एंगल फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। कोई एंगल ऑफ इंसिडेंस इस तरह से चूज करा गया कि इधर क्रिटिकल एंगल पर इंसिडेंट हुई और क्रिटिकल एंगल से रिफ्लेक्ट भी हो गई। सर एसी एट क्रिटिकल एंगल फोटो एंड द एंगल ऑफ इमर्जेंस इज अल्फा, और फिर इमर्ज हुई किसी एंगल अल्फा पर। शो दैट द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म मटेरियल इज गिवन बाय दिस। फंडा सिंपल सा बताता हूं मैं आपको। इधर सी लाइट रे किसी एंगल ऑफ इंसिडेंस आई से इंसिडेंट होती है और यह रिफ्रैक्ट होती है किसी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर से, और इधर इंसिडेंट होती है क्रिटिकल एंगल सी से, और इधर फिर रिफ्लेक्ट भी हो जाएगी क्रिटिकल एंगल सी से, और फिर इधर इमर्ज होगी एंगल अल्फा से, एंगल अल्फा से, ऐसा हमने कहा। अब जरा सोचिए कि यह होना चाहिए 60 माइनस सी आर की वैल्यू। ऐसी स्थिति में इधर भी एंगल होना चाहिए 60 माइनस सी। अब आई के साथ यदि 60 माइनस सी है तो 60 माइनस सी के साथ ये अल्फा जो है ये भी आई होना चाहिए, इनफैक्ट आई शुड बी इक्वल टू अल्फा, पक्की बात है। अब मैं कह सकता हूं साइन अल्फा अपॉन साइन ऑफ 60 माइनस सी इज इक्वल टू म्यू, और साइन अल्फा इक्वल टू म्यू साइन 60 कॉस सी माइनस कॉस 60 साइन सी। साइन अल्फा इज इक्वल टू म्यू साइन 60 के रूट थ्री बाय 2, कॉस 3 की जगह 1 माइनस 1 बाय म्यू स्क्वायर माइनस कॉस 60 की जगह 1 बाय 2, साइन सी की जगह 1 बाय म्यू। नाउ सॉल्व फॉर म्यू, सिंप्लीफाई फॉर म्यू, साइन सी इज इक्वल टू 1 बाय म्यू, साइन सी 1 बाय म्यू है और कॉस सी है अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 1 बाय म्यू स्क्वायर। सिंप्लीफाई फॉर म्यू,